और अमित इलेवन के बीच अमित इलेवन ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया और उनके दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज और बल्लेबाज ग्राउंड में मौजूद अभिषेक और सचिन। So, एक बार दर्शकों को फिर से बता दूं आज के दिन का यह दूसरा सेमीफाइनल मैच डीजे शुभम वर्सेस अमित इलेवन। अमित इलेवन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। उनके दोनों ही प्रारंभिक ओपनर बल्लेबाज ग्राउंड में मौजूद। स्ट्राइक लेंगे अभिषेक और कच्चू नॉन स्ट्राइकर गोलू भाई, दोनों ही काफी अनुभवी क्रिकेट काफी अच्छे प्लेयर। धन्यवाद से जाने तरफ चले गए अभिषेक को और उन्होंने अमित का स्कोर खोला, अपना खुद का निजी स्कोर खोला, खाते का बढ़ाया चार रनों से और टीम का स्कोर जा पहुंचा चार। पहली गेंद के बाद रनों का स्कोर चार। बॉलर एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ से दाहिनी तरफ से अभिषेक सुंदर शॉट, गेंद ने पर्दे को छुआ के नहीं छुआ में अंपायर के फैसले का इंतजार। गेंद वैसे सीमा रेखा के बाहर, लेकिन गेंद ने पर्दे को छुआ या नहीं छुआ सिर्फ उसका इंतजार। दोनों अंपायर आपस में डिस्कस करते हुए चार रन लेग अंपायर और मेन अंपायर श्री राज रोशन दुबे जी का निर्णय। ये दूसरा चौका काफी सुंदर बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं अभिषेक, दो गेंदों पर दो बेहतरीन चौके। अमित इलेवन की तरफ से ये बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइक पर आए हैं, नॉन स्ट्राइक पर भी काफी अनुभवी काफी एक्सपीरियंस बल्लेबाज गोलू सुमित। दो गेंदों में दो बेहतरीन चौके अभिषेक। सुमित अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर एक बार तैयार। डीजे शुभम की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं सुमित। खेल कुछ क्षणों के लिए रुका हुआ, हमारे मेन अंपायर कुछ डिस्कस करते हुए और इसी बीच दोनों ओपनर बल्लेबाज आपस में कुछ मंत्रणा करते हुए कुछ डिस्कशन करते हुए बिकॉज इट इज अ इम्पोर्टेंट टाइम ऑफ द गेम सेमीफाइनल मैच, जीतने वाली टीम फाइनल में प्रवेश करेगी। आज के दिन का पहला सेमीफाइनल मैच खेला गया सीता चाइनीज वर्सेस सिल्वर इलेवन। सिल्वर इलेवन ने वो मैच जीतकर फाइनल में प्रवेश किया। अली प्रशांत दादा पाटिल की टीम ने ऑलरेडी फाइनल में प्रवेश कर लिया है, उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई। तो आज के दिन का ये दूसरा सेमीफाइनल मैच और दो गेंदों पर बहुत सुंदर दो चौके लगाए हैं अभिषेक ने। थैंक यू डीजे। सुमित अपने कोटे का पहला ओवर लेकर उनकी तीसरी गेंद का सामना करने के लिए बल्लेबाज तैयार अभिषेक ग्रुप कच्चू। इस क्रिकेट ग्राउंड को काफी अच्छे से जानते हैं समझते हैं क्योंकि उनके वरिष्ठ खिलाड़ियों ने उनको सिखाया है यहाँ पे खेलना। रिवर्स स्वीप शॉट, तीसरा चौका अभिषेक के द्वारा, हैट्रिक बाउंड्रीज बाय अभिषेक, सुपर सुपर शॉट ये उनको सिखाया है यहाँ पे खेलना। रिवर्स स्वीप शॉट, तीसरा चौका, बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश कर रहे हैं। तीन गेंदों में लगातार तीन चौके लगाए हैं उन्होंने अपनी टीम के लिए, अपने खुद के स्कोर में उन्होंने ऐड किए 12 और टीम का स्कोर जा पहुंचा 12 बिना किसी नुकसान के। और सुमित काफी खर्चीले साबित हुए थे उनके ओवर के भी तीन गेंद निशेष और एक प्राइज आ गया अभिषेक के ये तीन चौकों की वजह से एक प्राइज। अगर सुमित अभिषेक का विकेट लेते हैं तो उनको 500 रुपए का नगद पुरस्कार। 13 टू बॉल स्टिल रिमेनिंग इन दिस ओवर, रन स्कोर इज 13-13 विदाउट टॉस। पहली बार गोलू सामना करेंगे सुमित का, अभिषेक ने अपना एक रनों से छोर बदला और नॉन स्ट्राइक पर गोलू रिवर्स स्वीप खेल दिया। भागकर दोनों बल्लेबाजों ने भागकर बहुत
पूरा किया। रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली, फील्डर ने बहुत खूबसूरती से बहुत फुर्तीली तरीके से गेंद को कलेक्ट किया, विकेट कीपर के दस्तानों में थ्रो किया, विकेट कीपर ने बाकी का काम किया, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों ने भाग कर इनमें पूरा कर लिया। अंपायर ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, सारे फील्डर उत्साहित, उन्होंने रन आउट की अपील की, अंपायर ने कहा नहीं अभिषेक सुरक्षित अपनी क्रीज पर, तो इसे एक रनों की मदद से स्कोर जा पहुंचा 14। ओवर की अंतिम गेंद लेकर एक बार फिर से सुमित वाइट बॉल, इसे वाइट के जरिए रन स्कोर जा पहुंचा 15-15। एक बार फिर से बता दें, अगर सुमित ये विकेट लेते हैं अभिषेक का तो हमको ₹500 का नगद पुरस्कार। अभिषेक उन्होंने मिड विकेट से खेल दिया बॉल का चौथा चौका उनके बल्ले से निकलता हुआ, बहुत खूबसूरत बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक, उन्होंने मिड विकेट से खेल दिया बॉल का दिल जीत रखा है उन्होंने, बहुत सुंदर बल्लेबाजी करते हुए ये उनके बल्ले से निकला हुआ चौथा चौका। और पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या जा पहुंची है 19 रन। डीजे सुगमन टीम को आपस में डिस्कशन करना पड़ेगा। कोटे का पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए हैं बलदाऊ, गोलोई पर उनका सामना करने के लिए तैयार, जिनको खेल दिया भागे रनों के लिए, और रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही तेज, दोनों बल्लेबाजों की रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही तेज, वो रन चुरा रहे हैं, जो रन नहीं है उसको भी रन में तब्दील कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, ये है खेल। अभिषेक ने बोला कि अब भागिए, हम सुरक्षित क्रीज में हैं, गोलू ने उनका साथ दिया, बिना रुके वो भागे और उन्होंने एक रन को कंप्लीट किया, सो इसे एक रनों की मदद से स्कोर जा पहुंचा 20। सुंदर शॉट मिड विकेट पर, बहुत सुंदर फील्डिंग, अभिषेक के बल्ले में गेंद बराबर करने कोई, लेकिन उधर मिड विकेट पर बहुत अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा फील्डर द्वारा, गेंद वापस फालूतर में बॉलर के पास, बलदाऊ अपने कोटे की तीसरी गेंद लेकर तैयार, उनका सामना करने के लिए तैयार गोलू, हमारे वरिष्ठ अंपायर ने दोनों हाथों को हवा में लहराया, जिसका सीधा सा मतलब, सीधा सा इंडिकेशन, संकेत, एक गेंद वाइड बॉल, और इसे वाइड के जरिए से रन स्कोर जा पहुंचा 22-22। एक बार फिर से बलदाऊ दाहिने हाथ से दाहिनी तरफ से उनका सामना करने के लिए तैयार, गोलू हमारे पास तीन अंपायर और एक रिव्यू सिस्टम दोनों टीमों के लिए ग्राउंड में मौजूद, सारे अंपायर काफी वरिष्ठ, उत्साह ज्यादा, विकेट कीपर ने बहुत जोरदार अपील की जिसमें उत्साह ज्यादा, उम्मीदें कम थी, और अंपायर ने नकारा, उन्होंने कहा जी नहीं, खिलाड़ी अभी भी क्रीज पर सुरक्षित। डॉट बॉल 22 पर इसको रुका हुआ, गोलू आगे आए तो डॉट गेंद बनाई और थ्रो किया, लेकिन तब तक सुरक्षित गोल अपनी क्रीज में। सो इस एक रनों की मदद से स्कोर जा पहुंचा 23-23। दूसरा ओवर अभी भी बलदाव के, दो गेंदे अभी भी आनी शेष, रन संख्या 23, दूसरा ओवर पर प्रगति पर बलदाव के द्वारा, बलदाऊ एक बार फिर से दाहिने हाथ से दाहिने तरफ से उनका सामना करने के लिए तैयार, अभिषेक, अभिषेक ने बहुत सुंदर शॉट खेला, बैक टू पर गए पॉइंट और कवर के बीच में, काम तरफ से उनका सामना करने के लिए तैयार, अभिषेक, अभिषेक ने बहुत सुंदर शॉट, गोलू को भी इन्फॉर्म किया कि व्हाई यू नॉट प्लेइंग दिस एरिया, और पॉइंट और कवर के बीच में सुंदर सा चौका जड़ा, बलदाऊ एक बार फिर से, और अंपायर का डिसीजन आउट,
is coming out with the song. Baldawin Tuan, feel safe. सुबह का उत्साह वर्धन करने के लिए, उनका एंटरटेनमेंट मनोरंजन करने के लिए डीजे सुबह को बहुत बहुत धन्यवाद। दो ओवरों की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 27, एक विकेट के नुकसान पर स्टंप आउट हुए अभिषेक, जो काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। स्टंपिंग होकर अभी अभी ड्रेसिंग रूम में अपने साथी खिलाड़ियों के साथ, रन स्कोर अंकित 11 का काफी अच्छा। दो ओवरों की समाप्ति के बाद रन स्कोर 27-27, लॉस ऑफ वन विकेट, एक विकेट के नुकसान पर दो ओवरों की समाप्ति के बाद रन स्कोर 27। अभी 11 ने रन 27 बना लिए दो ओवरों की समाप्ति के बाद। अपनी टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए हैं संदीप, उनका सामना करने के लिए तैयार गुरु, जो टीम में अभिषेक के साथ आए थे। अभी अभी अभिषेक स्टंपिंग होकर अपने साथी खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम में गए, उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की अपनी टीम के लिए और स्कोर पहुंचाया 27 तक। सो दो ओवरों की समाप्ति के बाद अमित 11 का स्कोर 27-27। लेग स्टंप को मिस करते हुए बॉल विकेट कीपर के दस्तानों में और इसे वाइड के जरिए रन स्कोर जा पहुंचा 28-28। दो ओवरों की समाप्ति के बाद, दो ओवर की समाप्ति के बाद रन स्कोर 28, एक विकेट के नुकसान पर संदीप एक बार फिर से वाइड बॉल, वापस गेंद लेग स्टंप को मिस करती हुई और विकेट कीपर काफी मुस्तैद, काफी चुस्त, काफी दुरुस्त गेंद को बहुत सुंदरता से, बहुत खूबसूरती से कलेक्ट कर रहे हैं। दोनों ही गेंदें लेग स्टंप पर और विकेट कीपर ने बहुत खूबसूरती, बहुत फुर्तीली तरीके से गेंद को कवर किया। डॉट बॉल, गोलू गेंद को आगे आकर खेलना चाहते थे, गेंद डॉट बॉल, बाकी गेंद का विकेट कीपर ने वापस बहुत खूबसूरती से, बहुत अच्छी तरीके से किया और रनों की संख्या अभी भी रुकी हुई 29-29। इस ओवर की 5 गेंदें यानी शेष, तीसरा ओवर प्रगति पर, अभी तक 1 गेंद हुई है, 2 अतिरिक्त रन उन्होंने दिए हैं, 1 डॉट बॉल। एक बार फिर से संदीप तैयार, उनका सामना करने के लिए तैयार ना आपके बल्लेबाज गुरु, पैदल शूट कर दिया लेकिन पहले पर खड़े बीरन ने काफी सुंदर फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया, टीम ने निश्चित रूप से उन्होंने अपनी टीम के लिए बचाए और इस 1 रनों की मदद से रन स्कोर जा पहुंचा 30-30। इस ओवर की 4 गेंदें आने अभी भी शेष, एक बार फिर से लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, रिवर्सिंग करने का प्रयास और विकेट कीपर ने मिस किया गेंद को कलेक्ट करने में। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने भाग कर अपने छोर बदल लिए, गोविंद और इस एक अतिरिक्त रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 31-31। इस ओवर की 3 गेंदें आने अभी शेष, तीसरा ओवर प्रगति पर संदीप के द्वारा, अपने ओवर की 4थी गेंद लेकर लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, बाएं हाथ से दाहिनी तरफ से वाइड बॉल। अब तक दोनों बल्लेबाजों ने भाग कर वापस अपने छोर बदल लिए, एक वाइड प्लस वन एडिशनल काउंट, सो टोटल 2 रनों का इजाफा। इस 2 रनों की मदद से इसको इजाफा पहुंचा 33-33। 3 गेंदे अभी भी इस ओवर की आनी शेष, 3 गेंदे 33 रन, तीसरा ओवर प्रगति पर संदीप के द्वारा,
संदीप का सामना करने के लिए तैयार भूमि दाइन हाथ के बल्लेबाज काफी पुराने काफी अनुभवी खिलाड़ी इस ग्राउंड को इस पिच को काफी अच्छे से जानते हैं संदीप गोविंद आगे आए गेंद को खेला फील्ड में बहुत सुंदर फील्डिंग का मजा पेश किया सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट तालियों से उनका स्वागत करते हुए खेल दिया और बहुत एक रन पूरा किया इस एक रन की मदद से इसको जा पहुंचा 35-35 तीसरा ओवर प्रगति पर तीसरा ओवर की अंतिम गेंद लेफ्ट आर्म बाएं हाथ से दाहिनी तरफ से उनका सामना करने के लिए तैयार गोविंद बल्लेबाजों ने अपने तीसरे ओवर की समाप्ति तीन ओवरों की समाप्ति के बाद रन स्कोर रनों की संख्या 36 रन तीन ओवरों की समाप्ति के बाद रन स्कोर है 36 एक विकेट के नुकसान दो विकेट के नुकसान पर और खिलाड़ी अभिषेक आपने दर्शकों में मनोरंजन भरपूर कर रखा है शुभम भाई को थैंक यू काफी नए कलेक्शंस ओल्ड कलेक्शंस के साथ डीजे शुभम बलदाऊ अपने कोटे का दूसरा और टीम की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए हैं आपको फिर से बता दें ये सेमीफाइनल मैच 5 ओवरों का 4 बॉलर 5 ओवर एक रिव्यू सिस्टम अलाउ दोनों ही टीमों के लिए और गोलू अभी भी क्रीज में मौजूद स्ट्राइकर मौजूद गोविंद बलदाऊ तैयार दाहिने हाथ से दाएं की तरफ से उनका सामना करने के लिए तैयार गोविंद गोविंद आगे आए गेंद को खेला और गेंद को कलेक्ट किया तब तक दोनों बल्लेबाजों ने भाग कर अपने छोर पूरे कर लिए और इसे एक रनों की मदद से स्कोर जा पहुंचा 37-37 चौथा ओवर जारी है बलदाऊ के द्वारा और बलदाऊ ने बहुत सुंदर गेंदबाजी की गोलू आगे आए और फुल टॉस बॉल खेला के लिए भाग कर एक रन भी पूरा किया और इसे रनों की मदद से स्कोर जा पहुंचा 38-38 चौथा ओवर प्रगति पर इस ओवर की 4 गेंदें अभी भी आनी शेष बलदाऊ बल्लेबाज को पढ़ते हुए वो बल्लेबाज के आगे बढ़ने पीछे जाने बैकफुट उस हिसाब से गेंदें करें सुंदर सा शॉट गोविंद का तब से यही ट्राई कर रहे थे आगे आकर गेंद को बाकी भी बहुत सुंदरता से गले में कनेक्ट किया स्टेप ड्राइव 4 रन के आगे बढ़ने पीछे जाने बैकफुट उस हिसाब से गेंदें करें सुंदर सा शॉट गोविंद का और रन स्कोर जा पहुंचा 42 इस ओवर की अभी भी 3 गेंदें आनी शेष चौथा ओवर प्रगति पर तीन गेंदें तीसरा ओवर जारी रन संख्या 42 चौथी गेंद ओवर की गोविंद इसको स्वीप करना चाहते थे बल्ले में संपर्क ठीक से हुआ नहीं लेकिन तब तक गोलू बहुत मुस्तैद थे भागकर दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और रनों में एक और इजाफा किया इस एक सिंगल की मदद से रन जा पहुंचा 43-43 चौथा ओवर बलदाऊ के द्वारा प्रगति पर बलदाऊ सुंदर गेंदबाजी करते हुए गोलू का सामना करने के लिए तैयार बलदाऊ अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर और उनका सामना करने के लिए तैयार स्ट्राइकर गोलू ये गेंद
सुंदर शॉट फुल टॉस बॉल और गोलू ने बहुत ही सुंदर शॉट खेला ये गेम फुल टॉस बॉल खेल रहे सुंदर शॉट के बल्ले से जहां अभिषेक ने चौकों की बौछार लगा दी थी भाई उनकी टीम से छक्के भी देखने को मिले गोलू के बल्ले से तो इस 6 रनों की मदद से ये गेम पांच गेंदों की समाप्ति के बाद रन स्कोर जा पहुंचा 49 अभी भी इस ओवर की एक गेंद आनी शेष बलदाव के ओवर की अभी एक गेंद शेष उनके कोटे का दूसरा ओवर उनकी खुद की एक गेंद शेष चौथा ओवर खत्म होने के लिए एक गेंद शेष और इस छक्के की मदद से स्कोर में थोड़ा सा उछाल स्कोर जा पहुंचा 49 चौथे ओवर की अभी भी एक गेंद आनी शेष गोलू बहुत सुंदर बल्लेबाजी करते हुए ओपनिंग में अभिषेक के साथ आए थे अभिषेक ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की स्टंप होकर वो अपने ड्रेसिंग रूम में गोलू आगे आए रिवर्सिव की और गेंद पर्दे में बिना छुए बाहर और इस एक रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 50 हाफ सेंचुरी 50 50 चार ओवरों की समाप्ति के बाद रन स्कोर 50 डीजे शुभम और उनके कैप्टन उनकी टीम आपस में विचार विमर्श करते हुए डिस्कशन करते हुए कि पांचवा ओवर टीम की तरफ से कौन लेकर आएगा और अमित 11 की तरफ से दोनों ही बल्लेबाज काफी अनुभवी गोलू और गोविंद गोलू एंड गोविंद जी जी स्ट्राइकर जी नॉन स्ट्राइकर भी जी गोलू एंड गोविंद पांचवा ओवर लेकर अपनी टीम की तरफ से आए हैं रोहित ये उनके कोटे का पहला ओवर है और टीम की तरफ से अंतिम ओवर इस इनिंग का भी अंतिम ओवर दाहिने हाथ से ओवर द विकेट राइट आर्म ओवर द विकेट गोविंद ने गेंद को खेलना चाहा गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ अच्छे से लेकिन इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने भागकर अपने छोर बदले और रन स्कोर जा पहुंचा 51 रन Yeah!
डीजे शुभम को अगर ये मैच जीतना है तो निर्धारित 5 ओवरों में उनको 65 रन बनाने हैं। इफ डीजे शुभम वांट्स टू विन दिस मैच दे नीड टू मेक 80 के लिए एक सुंदर सा ऑफर। अगर वो पहले गेंद पे चौका मारते हैं तो 4000 रुपए का नगद पुरस्कार। आशीष के लिए एक सुनहरा ऑफर, अगर वो पहली गेंद पर चौका मारते हैं तो 4000 रुपए का नगद पुरस्कार। आगे आए उन्होंने प्रयास किया चौके के लिए, लेकिन वो गेंद के हाथ में सीधी गिर गई, गेंद छिपकी, अदरवाइज एक विकेट होता। इस प्रकार के जरिए एक काउंटिंग स्टार टीम ने अपना खाता खोला और आशीष ने अपना खाता खोला। रनों की संख्या 1, डीजे शुभम का स्कोर 1। एक बार फिर से 2 भी दाएं हाथ से दाएं तरफ से ये चौथे की मदद से एक बार फिर से 2 भी दाएं हाथ से दाएं तरफ से ये दो गेंदों की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 5, 62-62। डीजे शुभम को यह मैच जीतने के लिए 62 रनों की जरूरत, निर्धारित 5 ओवरों में 30 गेंदों में 62 रनों की जरूरत। तीसरी गेंद ने सुंदरता से गेंद को कलेक्ट किया आगे आकर से आउट खेलना चाहते थे, ऊपरी किनारा लिया और सीधा पर्दे के बाहर। तो इस तरह से आशीष ने अपना विकेट खोया और वह 1 रन बनाकर पवेलियन में अपने साथियों के साथ ड्रेसिंग रूम में अब उनका स्थान लेने के लिए आए हैं अमन नए उभरते हुए खिलाड़ी। गोविंद पुराने खिलाड़ी, काफी अनुभव, काफी पुराना तजुर्बा, एक्सपीरियंस पूरा झोंकते हुए इस मैच में पहला ओवर पर प्रगति पर गोविंद के द्वारा, इनिंग का पहला ओवर, गोविंद के कोटे का पहला ओवर। इस ओवर की 5 गेंदें हो चुकी हैं और डीजे शुभम का स्कोर है 7। एक बार फिर से ये गेंद सबसे थोड़ा सा ज्यादा बाहर और अंपायर ने दोनों हाथों में हवा में लहराया और संकेत दिए कि ये गेंद वाइड बॉल। हमारे काफी वरिष्ठ अंपायर श्री राजरोचन एडवोकेट द्विवेदी ने सुबह से बहुत ही सुंदर अंपायरिंग का मुजाहरा पेश किया है, उनको बहुत बहुत आभार, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सुमित क्रिज पर खड़े रहे और उन्हें अपनी टीम को मैच जिताया तो अभिजीत पवार की तरफ से उनको 2000 रुपए का नगद पुरस्कार जो ऑलरेडी कमेटी बॉक्स के पास जमा हो चुका है। बहुत प्राइस पे प्राइस आ रहे हैं दोनों टीम के लिए। गोविंद क्षेत्र में गोविंद रन स्कोर जा पहुंचा 12। 5 गेंदों पर 7 रन थे, 1 अतिरिक्त की जगह 8 और अंतिम गेंद पर चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा 12। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 12,
एक बार फिर से बता दें आज के दिन का दूसरा सेमीफाइनल मैच टीवी शो वर्सेस अभिनंदन बनेगा जो कि पहले बल्लेबाजी की उन्होंने निर्धारित 5 ओवरों में रन बनाए 61 और अगर ये मैच टीवी शो को जीतना है तो उनको 5 ओवरों में 65 रनों की जरूरत है जिसमें उन्होंने एक ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन बना दिए सो एक और भी रन ओके उन्होंने अपने बेस की विकेट खो दिया है जो कि उनकी समाप्ति के बाद रनों की संख्या बढ़ा दूसरा ओवर लेकर आए हैं अपनी टीम की तरफ से अभिषेक उर्फ कच्छू काफी एक्सपीरियंस बॉलर अपनी टीम की तरफ से ये गेंद सुपर सर की विकेट को जब खाली कर रहे हैं सुपर सर ये गेंद सुपर सर की दूसरा ओवर प्रगति पर अभिषेक के द्वारा पहले ही गेंद बराबर ने बहुत खूबसूरत सा चौका विकेट के एरिया में लगाया और उसी रन की मदद से इसको जा पहुंचा 16 5 गेंद आ रही है 20 ओवर में से अभिषेक और अमन को रन आउट के रूप में ग्राउंड से बाहर जाना पड़ेगा उनको पवेलियन में जाके उनके सहभागी खिलाड़ियों के साथ बैठना पड़ेगा बहुत ही सुंदर फील्डिंग अभिषेक के द्वारा फॉलो थ्रू में गुड गेंद को फील्ड किया थ्रू किया गोलों के पास बाकी गया काम विकेट कीपर गोलों ने किया और अंपायर ने किया आकाश की तरफ उठाई विकेट किया संकेत दिए ये रन रन संख्या अभी भी 16 अभी से दाएं हाथ से दाएं तरफ से अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर बल्ला उनका सामना करने के लिए आगे आएंगे चौके की मदद से 20 आज से लेकर दूसरा सेमीफाइनल मैच सुबह को ये मैच जीतने के लिए 62 रनों की जरूरत एक विकेट के नुकसान पर 20 रन बना लिए हैं दूसरा ओवर अभिषेक के द्वारा प्रगति पर है ये विकास है इजाफा करा इस एक रन की मदद से रन स्कोर जा पहुंचा 21 इस ओवर की दो गेंदें आ गई अभी विशेष दूसरा ओवर प्रगति पर देख अभी देख कैसा विकेट लेगा देख कच्चू और दोनों ही अंपायर
थर्ड अंपायर के पास। तो फाइनल डिसीजन अभी भी पेंडिंग, थर्ड अंपायर के पास आएगा। बहुत ही सुंदर बिल्डिंग किशन के द्वारा, किशन ने गेंद को कलेक्ट किया और फॉलो करके अभिषेक के हाथों में, और अभिषेक ने इसका विनय भी किया। थर्ड अंपायर रिव्यू और उसे रिव्यू में डिसीजन आउट। पांच गेंदों की समाप्ति के बाद इसको अभी भी करने वाली केस। अभिषेक के ओवर की एक गेंद आता है समाप्ति के बाद प्रगति पर अभिषेक के द्वारा दो बढ़ोतरी, सुंदर फील्डिंग का गुजारा इस ओवर में और दोनों ही रन आउट। एक फॉलो थ्रू ने खुद अभिषेक ने की, किशन ने भी सुंदर फील्डिंग का प्रदर्शन किया। दो ओवरों की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 22, 3 विकेट से नुकसान। दो ओवरों की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 22, 3 विकेट के नुकसान। डीजे शुभम को अगर यह मैच जीत रहे हैं तो 5 ओवरों में 62 रनों की जरूरत है और उनकी टीम ने 3 देश की टीम विकेट खोकर 2 ओवरों की समाप्ति के बाद 22 रन बनाए। 18 गेंदों में 40 रनों की जरूरत। डीजे शुभम को अगर यह मैच जीतना है तो उनको 18 गेंदों में 40 रन बनाने होंगे। पहले बल्लेबाजी की, निर्धारित 5 ओवरों में उन्होंने 61 रन बनाए। जवाब दीजिए सुबह 2 ओवरों की समाप्ति के बाद पहुंची है 24 दो गेंदों के बाद दोनों के ओवर की अभी भी 4 गेंदें अभिशेष। ये उनके गोटे का पहला ओवर है और टीम के तरफ से तीसरा ओवर लग रहा है। दो ओवर दो गेंदों की समाप्ति के बाद रन संख्या 24। दो ओवर दो गेंदों की खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करते हुए
एक एक गेंदों में अपने खिलाड़ियों को उत्साहित कर रहे हैं. दे आर प्रमोटिंग टू द प्लेयर्स, इंक्रीजिंग टू द प्लेयर्स, और उसी का नतीजा है गोलू की गेंदबाजी. अभी से एक एक फील्डिंग, उनकी बल्लेबाजी तीसरा ओवर प्रगति पर गोलू के ओवर की तीन गेंद आने अभी विशेष, रन संख्या 25. एक बार फिर से लैपटॉप फाइनल स्वीप कर दिया गया, पहले पे जाके पर्दे से टकराई और इस चार रनों की मदद से स्कोर का पहुंचा 29-25. गोलू फाइनल स्वीप कर दिया गया, तैयार होते हुए अपने आरोप का सामना करने के लिए तैयार. गोलू ये गेंद की सुंदर सा चलता है, अब पॉइंट के बीच से सुंदर सा शॉट अभियान के द्वारा बहुत खूबसूरती से का सामना करने के लिए तैयार. गोलू ये गेंद की सुंदर सा चलता है, अभियान ने लगातार दो गेंदों में दो चौके लगाए और अपनी टीम को उस गेंद पर भी बनाए रखा है. 35 रन, तीसरा ओवर प्रगति पर गोलू के कोटे की लास्ट गेंद आने बाकी. ये उनकी अंतिम गेंद, ओवर की अंतिम गेंद, गोलू पर भी से तय. अपना अंपायर से कुछ जिसके सब देते हैं और इसी बीच अपने जिले में खिलाड़ी आपस में विचार विमर्श करते हुए अभी से उनको कुछ मतगणना के लिए गोलू के साथ दो दिन अंपायर से रिक्वेस्ट को खेल को जल्द से जल्द प्रारंभ कराया है. 33 33 मनोबल बढ़ाते हुए उनका उत्साह मजबूत करते हुए सर सारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए गुड जॉब, आप बहुत खेल का अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो, इसी तरह खेल को आगे जारी रखिए. लास्ट बॉल कोटे की अंतिम गेंद आने से 33 रन संख्या 35, गोलू के ओवर में एक गेंद आने से तीसरे ओवर की अंतिम गेंद आने बाकी. समाप्ति के बाद रन संख्या 39, तीन गेंदों में लगातार 14 रन खर्च किए गोलू ने, दो चौके और एक बाउंड्री, 12 गेंदों पर 23 रनों की जरूरत.
ये छक्का जिसकी मदद से अबरार ने अपनी टीम को गेम में वापस ला दिया है। गेम में वापस काफी रोमांच आता हुआ एक बार फिर से अभी से अपनी टोटल का दूसरा और टीम की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए हैं अभिषेक। उनका सामना करने के लिए तैयार बनता हूँ। ठीक है और इस एक रन की मदद से रन स्कोर जा पहुंचा 40। अब इसे एक सामना करने के लिए तैयार अब रहा। अब इसे दाएं हाथ से दाएं तरफ से राइट का ड्रॉप दबी कर उनका सामना करने के लिए तैयार बल्लेबाज अब रहा जिन्होंने 3 गेंदों में 14 रन बनाए थे। अब इसे काफी अनुभवी काफी तजुर्बे वाले गेंदबाज वापस एक रन लिए उस एक रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 48। कोटी पर चौथा ओवर प्रगति पर चौथे ओवर की 4 गेंद आने से अभिषेक उर्फ कच्चू दाएं हाथ से दाएं तरफ से उनका सामना करने के लिए तैयार बल्दा हुआ दाएं हाथ के बल्लेबाज गेंद को डिफेंड किया और उनके सामने खेला एक रन के लिए और छोर बनाया व्यस्त है अबरार को स्ट्राइक देने के लिए वापस अभिषेक की टोटल की टीम के लिए अभिषेक रन संख्या 42 9 गेंदों में 20 रनों की जरूरत टीजे सुबह को 9 गेंदों में 20 रनों की जरूरत अभिषेक काफी सुंदर गेंदबाजी करते हुए 3 गेंदों में अभी तक 3 रन खर्च किए उन्होंने। ये पिच काफी रनों से भरी हुई है 50-60-70 का स्कोर जा रहा है तो काफी किफायती ओवर माना जाएगा। ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक दाएं हाथ से दाएं तरफ से काफी बड़े स्तर पर है अभिषेक के लिए अबरार गेंद का सीधा ओवर की व्यवस्था देगा और स्कोर 42 जहाँ पर 1 रन होना चाहिए तो वहाँ पे 4 रन आए 7 गेंदों में 16 रन की जरूरत कोटे का दूसरा और अपने दूसरे ओवर की अंतिम गेंद लेकर उनका सामना करने के लिए तैयार बैट्समैन अबरार जो बहुत सुंदर बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए और डीजे सुबह को ये मैच जीतना है तो उनका क्रीज पर बने रहना बहुत ही जरूरी है। अभिषेक चेक किया बल्लेबाज को गेंद को रिलीज नहीं किया से पर्दे को छोड़कर थोड़ा दूर खड़े हो जाए प्लीज ओवर के अंतिम के लिए अभिषेक अबरार के लिए अबरार आगे अबरार ने इस मैच में जान फूंक की है अपनी टीम के लिए डीजे शुभम के लिए लगातार 2 गेंदों में 2 बाउंड्री तीसरे ओवर में उन्होंने लगातार 3 गेंदों में 14 रन बनाए 2 चौके और 1 छक्के की मदद से तो बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी कर रहे हैं अबरार की टीम के लिए। एक बार फिर से बता दें डीजे
सुबह और अपराध को कि अगर हमको ये मैच जीतना है तो छह गेंद पे 12 रनों की जरूरत है. सिक्स बॉल टू गो एट 12 रन इफ डीजे शुभम वांट्स दिस मैच. अगर डीजे शुभम को ये मैच जीतना है तो निर्धारित छह गेंदों में 12 रन उनकी टीम को बना देना. और इस इनिंग की पांच गेंदों में पांच गेंदों में 11 रनों की जरूरत. अगर ये मैच डीजे शुभम को जीतना है ये हम आता है मार एक एक गेंदों में अपने फील्डर को निर्देश देते हुए बल्लेबाज के पास कुछ पैसे ज्यादा हुआ. अब रार के क्रिस पर खड़े रहने की वजह से मैच में रोमांच बना हुआ. Yeah.
लाइन का नो बॉल भी देखिए बराबर डाइवर्ट करने के लिए टच कर गई है गाड़ी पर्दे को टच कर गई है तो ये टोटल काउंट हो गया 6। चार गेंदों में 5 रनों की जरूरत, 4 गेंदों में 5 रनों की जरूरत। डीजे सुबह को ये मैच जीतने के लिए 4 गेंदों में 5 रनों की जरूरत। छक्के से मैचों की फसल मजबूत हो गई है। छक्के की मदद से मैच को अपनी टीम की तरफ मजबूत होती है। 4 गेंदों में 5 रन की जरूरत। अपना विवेक इसमें मौजूद, एक सुंदर विकेट खेल में वापसी। खेल में परिवर्तन विकेट के रूप में अब से ये है सेमीफाइनल का रोमांच। सिल्वर स्टार ऑलरेडी फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। ये मैच जो जीतेगा वो फाइनल में प्रवेश करेगा। मैच में काफी रोमांच बना हुआ। 4 गेंदों में 5 रनों की जरूरत, 4 गेंदों में 5 रनों की जरूरत। अपना टिकट गवा कर अपनी टीम के साथ और पूरी टीम पे अपने बल्लेबाज की पूरी टीम ने हर से उल्लास, काफी जोश। अमरान के टिकट के आउट होने के बाद पूरी टीम के काफी जोश। गेंदों तीन रन पांच। ये है सेमीफाइनल, दिस इज द पीपल ऑफ सेमीफाइनल। प्रेशर इज कमिंग फॉर ईच एंड एवरी बॉल्स ऑन द प्लेयर्स। एक एक गेंदों में खिलाड़ियों के ऊपर प्रेशर आता हुआ मैच, कभी बल्लेबाजी के पक्ष में, कभी बैटिंग के पक्ष में, कभी फील्डिंग के पक्ष में। अबरार जब तक चौथे मौजूद थे उनकी टीम में खुशी नहीं है।
तीन गेंदों में पांच रनों की जरूरत। एक सुपर गेंद गेंदबाजी पक्ष को जीत दिला सकती है। एक सुंदर चौक बल्लेबाजी पक्ष को चलेगा। दो गेंदें, चार। दिस इज द सेमीफाइनल। यहाँ पर उपस्थित सभी क्रिकेट प्रेमियों क्रिकेट खिलाड़ियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। अभी तक 2024 एक गेंद में रोमांच बना हुआ। एक गेंद मैच बल्लेबाजी के पक्ष में, एक गेंद मैच फील्डिंग के पक्ष में। एक गेंदों में रोमांच। अभिरार के आउट होने के बाद अभी तलेबन में जान सी आ गई है। जबकि कब्रार बीच पर मौजूद थे, उनके टीम की जीत सुनिश्चित थी। अभी भी एक काफी अरसे से क्रीज पर खड़े हुए बल्लेबाज काफी लंबे समय से अभी भी क्रीज पर मौजूद। हमारे साथी खिलाड़ी ने विकेट किया कि टेस्ट मैच के बल्लेबाज हमारे वरिष्ठ राज रोशन दुबे जी ने अतिरिक्त के वाइट बॉल ये है क्रिकेट का खेल। गेंदें एक रन दो। This is the final time of the semi-final match. See the result. Either it's come for Akhil Eleven or it's comes for DJ Subham. एक गेंदों पर दो रनों की दरकार। सारे खिलाड़ी, सारे दर्शक, क्रिकेट प्रेमी सबकी नजरें उस एक गेंद पर। उस एक गेंद में क्या ऐसा कारनामा होने वाला है? अभी हमारे साथी सहभागी अली शेख ने बताया कि इसको बोलते हैं मैच का फीवर। इट्स अ मैच फीवर, सेमीफाइनल फीवर नाउ। जीत
टीम का फाइनल में प्रवेश और सिल्वर स्टार से उसका फाइनल होना निश्चित। तो एक गेम इस सेमीफाइनल से फाइनल तक पहुंचाने का भविष्य तय करेगा। सारा दारू मदार उसे गेंद पर मंजूर। बॉलर के सर के ऊपर प्रेशर, बैट्समैन के ऊपर प्रेशर। अब वो प्रेशर रिलीज कौन कर पाता है, वो बैटर करता है। This is the final time, final ball, semi-final. एक गेंद है रन की दरकार को। एक गेंदों में अपने बॉलर को गोली समझाते हुए, कभी अभिषेक समझाते हुए एक गेंद और रनों की दरकार को। ये गेंद इस मैच का निर्णय तय करेगी कि फाइनल में कौन है। Who will be qualified this cricket semi-final match? Thank you.
इजाफा रेड स्कोर लेवल दोनों ही टीम के स्कोर बराबर है 61-61 दोनों ही टीम का स्कोर लेवल 61-61 Alice, please control yourself. This is the game. You have give a lot of things at this ground. Alice, आपने इस खेल में बहुत कुछ झोंका है. So please keep patience. थोड़ा सा धैर्य रखिए. एक गेंदों में एक रनों की जरूरत सारे टीम के दायरे के अंदर सारे टीम के दायरे के अंदर एक से पांच पेसेस एक गेंदों में एक रनों की जरूरत एक पेसर चेस एक गेंदों में एक रनों की जरूरत एक गेंदों में एक रनों की जरूरत दूसरा आज के दिन का दूसरा सेमीफाइनल मैच काफी रोमांचक काफी इंटरेस्टिंग होता हुआ जाननी चाहिए अपने को विकेट के पास में इस मैच में चार विकेट हो गए थे और फाइनल नतीजा ये कि स्कोर आर लेवल नाउ दोनों टीमों को स्कोर बराबर 61-61 फाइनल टाइम वंस अगेन बॉलर ने एक और मौका दिया अगर वो गेंद उन्होंने कवर ने उसको क्लियर होती तो मैच के पक्ष में होता ठीक है एक गेंद है एक रनों की जरूरत चेक किया बॉल को रिलीज नहीं किया ये है फाइनल मैच का प्रेशर स्लिप पॉइंट गली मिड ऑन